तो इस वक्त ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था मतलब मैंने नई वीडियो पढ़ तो मतलब ये डाल तो मैं अब रही हूँ मैं बहुत पहले मैं इसको तो शूट कर लिया था <laughs> सच्ची में तो क्या हुआ था ना उस टाइम मेरा बीच में क्या मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था ना तो आप देख सकते हो अभी ना बारिश भी हो रही थी अच्छी खास मैं ना कुछ ऐसे गर्म गर्म खाने का मन कर रहा था तो मैंने सोचा बना के देखते हैं तो देखते नहीं है हम बनाते हैं <laughs> है ना मैंने बनाया पनीर चीज़ पराठा एकदम बढ़िया वाली स्टफिंग करके मतलब एकदम अच्छी वाली स्टफिंग करी हुई थी फुल फिलिंग जैसे कहते हैं ना फुल फिलिंग वो करा हुआ था मैंने है ना अब ये क्या हुआ था ना मैंने पहले मैं थोड़ा मुझे लग रहा था कि यार नहीं बनाना चाहिए अभी क्योंकि सेटअप इतना अच्छा है नहीं तो मैंने सोचा कोई बात नहीं यार रेसिपी तो मैं बता ही रही हूँ है ना <laughs> कौन सी मेरी रेसिपी दिख नहीं रही है <laughs> इतनी तो दिख ही रही है ना <laughs> तो बस मैंने ना फिर क्या करा फिर मैंने आटे की सिंपल प्लेन वाली लोई ले ली और उसको मैंने अच्छे से ना ऐसे प्रेस प्रेस कर दिया अब ना इसको क्या करना है आपको उसमें ना मैंने पूरा भर दिया था आप आपको देखने से भी लग रहा होगा ना पूरा कैसे भर सकते हैं इसमें पर सच्ची में मैंने पूरा ही भर दिया था तो क्या हुआ न हाँ पहले तो मैं स्टफिंग बताऊँगा मैंने स्टफिंग में क्या क्या डाला है तो पनीर में मैंने चीज़ मिला दी थोड़े सा अनियन मिला दिया नमक मिर्ची मिला दी और एक मैजिक इन्ग्रीडियंट दैट्स सेट कौन सा है वो मैगी का जो मसाला आता है ना मैजिक मसाला बस वही है सच्ची बता रही हूँ बस वही है तो उससे क्या होगा ना वो मतलब उसी से ही इसमें ना एक लुक आएगा इतना अच्छा फ्लेवर आएगा ना उसकी जगह तो आपको कुछ मसाले की जरूरत है ही नहीं गरम मसाला अमचूर पाउडर इन सबको साइड में कर देना है आपको वो डालने के बाद सच्ची में अगर आपके पास मैजिक मसाला ना हो ना तो आप कहीं भी दुकान पे मिल जाएगा वो है ना हर जगह ही पता नहीं टंगा हुआ रहता है देखने में <laughs> तो वो आप एक बार बन लाओगे ना वो क्या होता है ना हर हर क्या कहते हैं उसको सात्विक नहीं है फास्ट फूड वगैरह में ना, मैं ना। वो बहुत अच्छा टेस्ट करता है मतलब मैंने ना चाउमीन बर्गर पिज्ज़ा और ना जाने मतलब मैगी नूडल्स मतलब इन सब में मैंने उसको डाल के खाया है ना बहुत अच्छा टेस्ट करता है तो वही बार आप ट्राई करके देखो वीडियो नहीं है कोई उसके लिए पर ये सच्ची में बहुत अच्छा टेस्ट करता है इसलिए मैं इसको हर चीज़ में डालती हूँ बस सब्ज़ी वगैरह में मैं पसंद नहीं करती उसे फिर बस मैंने इसको जितना आप बेल सकती मैंने बेल लिया इससे क्या हुआ ना वो क्योंकि ये फटने भी लग जाएगा थोड़ा थोड़ा क्योंकि आपको पता ही है ये फुल फिलिंग है है ना फिर इसको ना बस यहाँ पे ना आपको क्या करना है मेरे लो ही मोटी हो गई थी अगर आपकी भी ऐसे मोटी हो जाए ना तो क्या करना आपको है आपको मीडियम फ्लेम पे इसे सेकना है जिससे क्या होगा वो अंदर से ना ऐसा नहीं लगेगा हम आटा आटा खा रहे हैं ऐसा नहीं लगेगा उसका ना टेस्ट अच्छा वाला आ जाएगा है ना तो ऐसा करना है तो उसके लिए आपको बस ना मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है अच्छे से फिर बस अलग पलट के तेल वेल लगाओ घी भी लगाओ और उसको सेक लेना है और बस इंजॉय करना है है <laughs> ना वैसे ना मैंने बताया इसको चाय के साथ सर्व करा था क्योंकि मैंने इसे सुबह सुबह बनाया था तो अब सुबह की चाय के साथ ही मैंने इसको सर्व कर दिया था क्योंकि मेरा मन हो रहा था एकदम गर्म गर्म खाने का तो इसलिए मैंने ना मेरे से रहा नहीं गया यार मैंने बना लिया <laughs> तो सबसे पहले चैनल पर तो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर देना पता नहीं बोलते बोलते मेरी जीप गोल गोल हो जाती है सच्ची में मैं मतलब जब भी वॉइस ओवर करती हूँ ना मेरी जीप ऐसी गोल गोल होती है ना मैं बोल ही नहीं पाती जो मैं बोलना चाहती हूँ <laughs> फिर मैंने इसको देखो पलट भी लिया है बहुत जल्दी पलट लिया है, ये तो मैंने देखा और मैंने बहुत जल्दी तेल भी लगा दिया था इस पे। पर कोई बात नहीं जैसे सीख जाएगा ये दो मिनट में है ना और मैं क्या कह रही थी है ना कि बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कर देना जिससे क्या होगा मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचेंगे और आप मेरे चैनल को भूलोगे नहीं मतलब ये होता है ना यार कि सब्सक्राइब करके हम छोड़ देते हैं बस ऐसा नहीं होगा आप है ना मेरी वीडियोस रोज़ देखा करो रोज़ का एक नया वीडियो होता है मतलब उस पर ना आपको एक नई रेसिपी देखने को मिलेगी ऐसे उखड़ी भी कहीं से ऐसी वाली रेसिपी देखने को मिलेगी <laughs> कि मतलब ये कहाँ से आ गई दिमाग में कैसे आई इनके <laughs> ऐसी रेसिपीज़ देखने को मिलेगी तो है ना ऐसे में नई नई रेसिपीज रोज़ डालती रहती हूँ तो आप देखिए करो फिर बस इसको मैंने कट करा और उसकी मैं फुल फिलिंग दिखाऊंगी अंदर से मतलब तो इतना भरने के बावजूद भी अच्छे से फिलिंग नहीं दिख रही है यार अब क्या हुआ ना पनीर पनीर जो दिखने लग गया अब चीज़ हो गई ना वो चीज़ के आटे में मेल्ट हो गई थी बस ज़्यादा कुछ नहीं हुआ बाकी टेस्ट तो यार क्या ही आ रहा था ना मतलब चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था तो आप एक बार मैं मेरे कहने पर एक बार आप ऐसे फुल फिलिंग बना के देखो क्या इसका टेस्ट आता है यार सच्ची में मुझे बहुत मतलब मैं तो फैन हो गई थी इसकी <laughs> में बना के देखो ऐसे है ना और इसमें मैं कह रही ना मैजिक मसाला डाल देना मैगी का उससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ गया था तो ये देखो यार कितना अच्छा लग रहा है ना फुल फिलिंग लग भी रहा है थोड़ थोड़ा थोड़ा <laughs> तो मैं ट्राई करके देखो आप है ना है ना और चैनल भी सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर तो करना ही है वो तो पूछने की बात ही नहीं है खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय